हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको कुछ एग्ज़ाम टिप्स बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप होती है स्लीप वेल एंड रिलैक्स। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम टाइम है, हम लोग रात रात को भी बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, परंतु ये गलत है। हम लोगों को अच्छे से स्लीप लेनी चाहिए और रिलैक्स फील करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा तभी हम लोग जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा हम पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं तो हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है याद रखने की, वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को जल्दी भूलना शुरू कर देते हैं। टिप नंबर सेकेंड, फोकस ऑन वॉट यू नो। इस टिप के अंदर यह है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमें चीज़ नहीं पता होती हम उसके पीछे ऐसे रोते रहते हैं कि अरे हमें ये नहीं आता, हमें ये नहीं आता। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो चीज़ हमें आती है। अगर हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे तो हमें वो चीज़ इतनी अच्छे से याद हो जाएगी कि अगर वो आए तो हम उससे अपने नंबर नहीं कट सकते हैं हमारे, और हम इजीली एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं और अच्छे स्कोरिंग भी कर सकते हैं। फिर टिप नंबर थ्री है ईट वेल। फ्रेंड्स, अभी एग्ज़ाम टाइम है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपना जो लंच होता है उसको स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी होती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं बैलेंस डाइट ज़रूरी है, उसी की वजह से हमारा जो बॉडी होती है वो पूरी अच्छे से बैलेंस रहती है। लेकिन जब हम अपना खाना स्किप कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ इनबैलेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और हमारा मतलब ज़्यादा पढ़ने का दिल भी नहीं करता, हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। टिप नंबर फोर, कंफर्टेबल क्लोथ्स। और हमें है ना उन्हीं क्लोथ्स के अंदर पढ़ना चाहिए जिसके अंदर हम एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं। क्या होता है कि अगर हम कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनते हैं ना तो हमें अच्छे से हमारे अंदर मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस टाइप आ जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग टाइट वगैरह, जैसे हमने टाइट जीन्स पहनी, अगर हम ऐसे ड्रेसेस को पहन के पढ़ते हैं ना तो हमारा माइंड अच्छे से मतलब वर्क नहीं कर पाता है पढ़ाई की ओर। फिर आता है स्टेशनरी एडमिट कार्ड एंड हॉल टिकट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो अपनी स्टेशनरी, अपने पेन पेंसिल, अपना शॉर्पनर, इरेजर, स्केल हमेशा अपने साथ रखिए। ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हॉल टिकट या फिर एडमिट कार्ड। इसके बिना आपको एग्ज़ाम हॉल में घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसलिए प्लीज़ इसे अपने साथ रखिएगा। फिर आता है टिप नंबर सिक्स, एल्टीट्यूड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर आपको कुछ याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है फिर भी कभी भी अपना एटीट्यूड नेगेटिव मत रखिए, क्योंकि अगर आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से आप आराम से जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो उनको भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, इससे आप नेगेटिव सेंस में नहीं लेंगे, आप डिप्रेस्ड भी नहीं हो पाएंगे। फिर आता है रीड क्वेश्चन वेल। ये टिप नंबर सेवन है। रीड क्वेश्चन वेल टिप के अंदर ये है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पूरी तरह पढ़ते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ लिखा होगा राइट द नेम ऑफ वन विच इज नॉट अ बायोटिक। बहुत से लोग नॉट को पढ़ते नहीं है और सीधा बायोटिक नाम लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें नॉट को अंडरलाइन कर लेना चाहिए पहले क्वेश्चन पेपर में, ताकि हमको याद रहे कि अरे इसमें नॉट वाला चीज़ लिखना है। अगर आप लोग नॉट वाली, जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको आप स्किप कर देते हो, जैसे लिखा होगा डू एनी फोर क्वेश्चंस, और बहुत सारे लोग सारे क्वेश्चंस करके आ जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम्ड हो जाता है। इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने का जो टाइम दिया होता है उसके अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीड करना चाहिए। फिर आता है पेपर प्रेजेंटेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो आप पेपर कैसे लिख रहे हो, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए और उसको एकदम मतलब मार्जिन खींचनी चाहिए लास्ट में, जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ। एकदम इसी तरह से यदि आप लोग अपने पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं, एकदम सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, जेल पेन का यूज़ कीजिए, जैसे कि आपका पेपर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा फिर उसमें एक तो आपकी गलतियाँ होंगी ना, टीचर उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन एकदम मतलब आपका पेपर बहुत सुंदर दिख रहा है तो टीचर्स आपकी मिस्टेक को अवॉइड भी कर देते हैं, इससे आपके एग्ज़ाम में स्कोरिंग अच्छी हो पाती है, आपके मार्क्स कटने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो ये थे कुछ एग्ज़ाम टिप्स, होप आपको पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।